यातायात नियमों का करें पालन जिससे बच सके आपकी जान। इस खबर को देखने के बाद आप अपनों को भी करें जागरूक। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनों को खो देते हैं, जिसका कारण अक्सर ये होता है कि तेज गति वाहनों को चलाना, बिना हेलमेट के बाइक को चलाना और बिना सीट बेल्ट के कार को चलाना, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो जाती है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं उनकी सड़क दुर्घटना में बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसी को लेकर उत्तर देश के सभी जिलों में 5 जनवरी से 4 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह के तहत अभियान चलाकर अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये श्रावस्ती जिले की है। श्रावस्ती जिले में 5 जनवरी को जिले की जिला अधिकारी नेहा प्रकाश व आरटीओ विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा माह का अभियान शुरू कर दिया गया है, जिस दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाए जा रहे अभियान के प्रचार वाहनों को कलेक्ट्रेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जो प्रचार वाहन जिले के कोने कोने में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के द्वारा बताया गया कि सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जागरूक किया जाएगा। ये भी बताया जाएगा कि कैसे सेफ ड्राइविंग करनी है, बिना हेलमेट के बाइक को नहीं चलाना है, हेलमेट लगाकर ही बाइक को चलाना है, सीट बेल्ट लगाकर ही अपनी कार और बड़ी वाहनों को चलाना है। तो आप लोग भी जागरूक हो जाएंगे और सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए जब भी बाइक या कार से बाहर निकलिए तो हेलमेट और सीट बेल्ट लगाकर ही निकलिए और दूसरों को भी जागरूक करिए। श्रावस्ती जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। 5 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि आम जनमानस में यातायात नियमों के प्रति एक जागरूकता फैलाई जाए और सब में ये संदेश दिया जाए कि कैसे सेफ ड्राइविंग करनी है रोड पर, कैसे हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाना है और भी जो यातायात नियम है उन सब का बिल्कुल अक्षरशः पालन होना चाहिए। इसी अभियान के तहत आज हमने यहाँ पर जागरूकता हेतु कुछ प्रचार वाहन को भी हरी झंडी दिखाई और सभी अधिकारियों द्वारा भी शपथ लिया गया। इस सड़क सुरक्षा माह में बहुत सारे विभाग हैं, सभी का योगदान रहेगा। तिथिवार कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, इसमें शिक्षा विभाग है, PWD है, यातायात विभाग है, सभी अपने अपने कार्यक्रम कराएंगे और इस पूरे अभियान का यही उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए और इस पर हम हर महीने एक सड़क सुरक्षा की बैठक भी करते हैं और बैठक में हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ ब्लाइंड स्पॉट्स है या जहाँ पर दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं उन सबको हम कैसे कंट्रोल करें, क्या वहाँ पर डिवाइडर बनाने की आवश्यकता है या और अगर PWD के विभाग से कोई स्पीड ब्रेकर बनाने की आवश्यकता है, तो इन सब बिंदुओं पर हर महीने चर्चा भी होती है और उसका अनुपालन कराया जाता है।